हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सिप्स। आई होप कैसा अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम लोग पबजी मोबाइल बीजीएमआई 1.6 का पहला अचीवमेंट देखने वाले, कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि बीजीएमआई में अभी तक अपडेट नहीं आया, कल या परसों तक आ जाएगा और जब भी ये अपडेट आएगा तो आपको भी ये अचीवमेंट मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख के इजिली कंप्लीट कर सकते हो। या तो आज ही आप वीडियो देख लो, जिस दिन आपका बीजीएमआई में अपडेट आ जाएगा उस दिन आप डायरेक्टली जाके ये अचीवमेंट तुरंत से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही दिन या बोल सकते हैं 3-4 मैच में आप ये मिशंस को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ पबजी मोबाइल जो यूज़र है उन लोग का तो फ्लोरा मैनेस आ ही चुका है, तो आप देख पा रहे हो। मोड्स में जाओगे तो इधर आप देख पा रहे इरेंगल मैप में फ्लोरा मैनेस आ चुका है। तो फ्लोरा मैनेस इरेंगल में 14 तारीख को आ गया है, सैनॉक में 18 तारीख को आने वाला है और लिविक में 22 तारीख को आने वाला है, ठीक है। बट सैनॉक एंड लिविक का जरूरत नहीं है, आप आराम से आज ही कंप्लीट कर पाओगे पबजी यूज़र। और बीजीएमआई यूज़र जिस दिन आपका अपडेट आ जाएगा उस दिन आप बैठ कर कंप्लीट कर सकते हो। 18 तारीख का वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ताक सबको करना वो इरेंगल मैप में ही करना ज़्यादातर, और सैनॉक और लिविक का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिसेस में क्लिक करते हैं, अचीवमेंट में क्लिक करते हैं। इधर आप देख पा रहे पबजी मोबाइल 1.6 एंड बीजीएमआई 1.6 का पहला अचीवमेंट जिसका नाम है फ्लोरा मैनेस, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले बात आप नोटिस किए, ये एक्सक्लूसिव अचीवमेंट है, तो 63 डेज का इसका टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप 63 डेज में ये अचीवमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और कभी भी ये वापस नहीं आएगा, तो ध्यान से ये अचीवमेंट को पूरा करना और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। तो इसमें लिखा हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग मिशन इन फ्लोरा मैनेस वाइल इट इज़ अवेलेबल, तो आपको फ्लोरा मैनेस में ये मिशन सब कंप्लीट करना होगा। जैसे आप पूरा अचीवमेंट को कंप्लीट करते हो तो आपको 20 अचीवमेंट पॉइंट मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको सप्लाई कूपन मिलने वाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये रहा है कि आप लोग का अभी तक कितना अचीवमेंट पॉइंट है, इसको कंप्लीट करने के बाद कोई भी ओवर अचीवर या कुछ मिलने वाला है कि नहीं, डेफिनेटली कमेंट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे एकदम नीचे से, क्योंकि नीचे वाला मिशन सबसे ईजी है। और सबसे पहला जो मिशन आपको दिखाया जिसमें लिखा हुआ एंटर यारिलो इन्फेक्टेड अर्बन एरिया वन टाइम, तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो सबसे लास्ट वाला, ये सबसे ईजी है। जैसे आप इरेंगल मैप सैनॉक एंड लिविक में जब ये फ्लोरा मैनेस अवेलेबल हो जाएगा सैनॉक एंड लिविक में, तो आपको दिखाई देगा मैप में आपको ये जो लोगो आप देख पा रहे यारिलो ट्री का, ये जो अचीवमेंट में लोगो देख पा रहे हो ना, ये लोगो आपको दिखाई देगा मैप के अंदर, और वो लोगो के उधर आप उतरोगे डायरेक्टली, जस्ट केवल उतरना है, उसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आप एंटर करोगे, जमीन में पैर रखोगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो पहला पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वही एरिया में आपको जाना है। और इरेंगल में तो आज ही से वो मोड आपको दिखाई दे रहा, मतलब ये वाला प्लांट। और इरेंगल का जितना मुझे याद है कि आपको जॉर्जियो सिटी स्कूल एरिया और मिलिट्री बेस में आपको यारिलो ट्री मिल जाएगा, और वो जोन में जैसे आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका अगर हेल्थ घटा हुआ है या डैमेज पड़ा हुआ कहीं से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हेल्थ है वो रिजेनरेट हो जाएगा टीडीएम जैसे, ठीक है। तो जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिकली मिशन कंप्लीट होगा, पहला पार्ट खत्म और कुछ नहीं करना है। सेकेंड पार्ट आप देख पा रहे ऑप्टेन अ टोटल ऑफ 10,000 नाकोर्स, तो आपको फ्लोरा मैनेस का जो मोड देखने को मिलेगा उसमें कुछ कॉइन देखने को मिलेगा। जैसे आप फ्लोरा मैनेस मोड खेलोगे तो आप जगह जगह में देखोगे कि एक कॉइन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, जिसका नाम है नाकोर्स, और वो जो कॉइन है आपको 10,000 कलेक्ट करना है। अब देखो एक इसमें बोनस टिप्स ये है कि अगर आप इसके अंदर स्पेसशिप में जाते हो, आप नॉर्मली बॉट्स को मारोगे उसके साथ साथ एनिमी को मारोगे और जगह जगह में आपको नाकोर्स पॉइंट मिल जाएगा, बट उसका जो क्वांटिटी रहेगा वो बहुत कम रहेगा। और अगर आप चाहते हो एक ही मैच में ये चीज़ कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको स्पेसशिप में जाना होगा। स्पेसशिप में जाने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, जो कि आप जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो राइट साइड में एक टाइम ड्यूरेशन जो पोर्टल होता है उसको खुलने का टाइम रहता है। जैसे वो पोर्टल का टाइम खत्म होता है तो पोर्टल खुल जाता है और ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर जाके काउंटडाउन स्टार्ट होगा और आप स्पेसशिप के अंदर जा सकते हो। जैसे आप स्पेसशिप के अंदर जाते हो तो आप बोल सकते हो एक तरह का दूसरा गेम में एंटर कर चुके हो और इरेंगल से आप एक तरह का कनेक्ट हो चुके हो। उधर ऑटोमेटिकली कुछ मैचेस होगा जिसमें आपको बॉट्स को मारना होगा, रियल बंदे को मारना होगा, और आप वो स्पेसशिप में देखोगे कि नाकोर कॉइन है ना वो बहुत ज़्यादा ही स्पैम किया गया, मतलब जहाँ तहाँ गिरा हुआ, और इजीली आप 10,000 कर सकते हो। और कोई कोई पॉइंट में तो बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे वो बीच में अगर आप जाओगे जहाँ ब्लू रे निकल रहा है उधर, तो आप देखोगे कि कॉइन सब भरा पड़ा हुआ है। इवन अगर आप रोबोट सबको मारते हो तो ऑटोमेटिकली आपको नाकोर कॉइन मिल जाएगा। तो 10,000 में एक ही मैच में कर चुका था बीटा वर्जन में, मे बी ग्लोबल वर्जन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि रियल बंदा भी आ जाएगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 3-4 मैच में आप आराम से 10,000 कॉइन कलेक्ट कर सकते हो, और इसमें कोई भी बैग का स्पेस नहीं जाता, तो इजीली जहां आपको मिल रहा उठाते जाओ। और जैसे 10,000 कॉइन हो जाएगा तो आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना, केवल कॉइन कलेक्ट करना, और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऊपर स्पेस में चल जाओ, उधर रेगुलर उसमें स्पॉन होते रहता है और आपको लार्ज क्वांटिटी में पूरा स्क्वाड के लिए मिल जाएगा, अगर आप एक ही साथ करना चाहते हो तो, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है। उसका थर्ड जो पार्ट देख पर इसमें लिखा हुआ डिफीट अ टोटल ऑफ
थ्री इन्फेक्टेड रोबोट इन द सेल मैट्रिक्स। तो सिंपली आपको करना है ये है कि आपको ये जो यारिलो मोड है या बोल सकते फ्लोरा मैनेस मोड है, इसमें आपको रोबोट देखने को मिलेगा। रोबोट पर्टिकुलरली दो एरिया में आपको देखने को मिलता है। आपको मैप के बीचों बीच ग्राउंड में ही बहुत सारा एक लोकेशन दिखाई देगा, वो भी एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा। वो लोकेशन में अगर आप गन लेके जाते हो उधर भी आपको गन्स मिलता है, तो वो रोबोट सबको अगर आप मारते हो तो ऑटोमेटिकली काउंट होगा। आपको तीन रोबोट को मारना है, और अगर आप नीचे मारना नहीं चाहते हो, नीचे अगर आप रोबोट सबको मारते रहते हो एनिमी आपका आके फायदा उठा सकता है, बाहर सबको मार के आपको पूरा किल कर सकता है। तो वापस से आप एयरक्राफ्ट में चल जाओ या बोल सकते स्पेसशिप में चल जाओ, उधर भी आपको रोबोट मिलता है और आराम से बोल सकते हो 8-10 रोबोट आता है। तो तीन रोबोट का आपको मारना है और वही राउंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप उधर रोबोट से मर भी जाते हो, एनिमी से मर भी जाते हो, तो ऊपर आपका अलग हेल्थ चलता है, और ऑटोमेटिकली अगर आप पूरा मर जाते हो तीन हेल्थ खत्म हो जाता है, तो आप पूरा मैच से बाहर नहीं जाते हो, केवल स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हो, बट फिर भी आप इरेंगल मैच में सर्वाइव करके चिकन डिनर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मैं आपको स्पेसशिप में जाना चाहिए और स्पेसशिप में जाके रोबोट को मारना चाहिए एज कम्पेयर टू वो पर्टिकुलर लोकेशन जो इरेंगल में दिखता है रोबोट वाला। उधर जाओगे तो दो दो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो रोबोट खतरनाक तो रहता ही है, उसके साथ साथ एनिमी आपका फायदा उठा सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट किल आपको कर पाएगा। बट स्पेसशिप में अगर कोई मारता भी है आपको, तो आप डायरेक्ट मरते नहीं हो, इरेंगल मैप पर वापस से आ जाओगे और अपना चिकन डिनर निकाल सकते हो। तीन ही रोबोट को मारना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक ही मैच में ये चीज़ आप कर पाओगे। ये एक टिप्स रहेगा, डेफिनेटली इसको फॉलो करना। ठीक है, उसका जो लास्ट सब पार्ट है ये फ्लोरा मैनेस अचीवमेंट का, वो आप देख पा रहे हो, स्पेंड 10 नार्कोर ऑन डायना हैक्स सप्लाइज। तो अभी आपको समझ में आया कि इसलिए मैं ये अचीवमेंट को उल्टा समझाया नीचे से। तो अभी आपको कॉइन के बारे में समझ में आ गया, कॉइन कहाँ से कलेक्ट करना है, और वो 10,000 कॉइन आपने कलेक्ट किया उसको आपको यूज़ भी तो करना है ना, कहीं तो कहीं यूज़ होगा ना। तो इससे भी आप कोई भी सप्लाई नहीं मंगवा सकते हो। जैसे आप ग्राउंड में आ जाते हो, आपके डिवाइस में एक शॉप वाला बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करोगे तो आप जो कॉइन कलेक्ट किए हो उसको यूज़ करके जितना भी सप्लाईज आप देख पा रहे हो उसमें से कुछ भी सामान को आप मंगवा सकते हो। ओम 6x मेडिकेट ये सब आप मंगवा सकते हो, एमओ वो सब कुछ, और ऑटोमेटिकली 10,000 नाकोर कॉइन जैसे ही यूज़ करोगे तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ग्राउंड में करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे, मैं ऊपर से लूट के नीचे आया, उसका जो 10,000 पॉइंट था वो एक ही बार में खर्चा कर दिया। तो वैसे ये कंडीशन नहीं कि आपको एक ही मैच में ये सब करना है, बट मैं बीटा वर्जन में था तो बीटा वर्जन में ज़्यादा एनिमी उनमी रहता नहीं है, तो इसलिए ईजिली ये चीज़ हो जाता है। और आप टाइम लेके कर सकते हो, पूरा 63 डेज का ये अचीवमेंट है। 63 डेज तो लगेगा ही नहीं, 3 दिन भी नहीं लगेगा भाई, एक ही दिन में हो जाएगा। ये जैसे कंप्लीट करोगे उतना सप्लाई मंगवा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ 20 अचीवमेंट पॉइंट और सप्लाई के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज का ये वीडियो में इतना रखते हैं। जैसे वीडियो में अपडेट आ जाएगा तो आप तुरंत से ये वीडियो देख के भी कंप्लीट कर सकते हो, अभी टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।